नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में, और इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी हरतालिका तीज की पूजा सामग्री के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आपको अपने पूजा थाल में क्या ज़रूरी सामान रखने हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, और इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, और वहीं कुंवारी लड़कियाँ भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। और ये निर्जला व्रत होता है, और मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से बहुत ही लाभ मिलता है। और हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा करने से पहले सुबह श्रृंगार भी करती हैं, और साथ ही साथ पूजा के दौरान माता पार्वती को भी सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। और इस व्रत में कुछ खास चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा थाली में आपको क्या क्या सामग्री रखनी है। तो आपको अपनी पूजा थाल में सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, पांच फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा और जनेऊ। और हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में मान पाने के लिए किया था, और इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व होता है। और सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। तो चलिए मैं आपको व्रत के कुछ नियमों के बारे में बता देती हूँ। तो ये निर्जला व्रत होता है, और इसीलिए इस दिन गलती से पानी ना पिए। दूसरा, प्रत्येक पहर में माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और आरती करें। तीसरा, इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध, शहद का पंचामृत चढ़ाएं। चौथा, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल सहित सुहाग पिटारा दें। पांचवा, अगले दिन भोर में पूजा करके व्रत का उद्यापन करें। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।